अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल TMK एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है थिन ब्लड स्मियर। थिन ब्लड स्मियर क्या क्या प्रोसीजर है, लैब इम्पोर्टेंस, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, इसे हम क्यों परफॉर्म करते हैं लैब के अंदर, ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। थिन ब्लड स्मियर हम किसी भी पैरासाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, साइज, शेप, स्ट्रक्चर, जैसे कि बेबीसिया है, लेशमेनिया या कोई और पैरासाइट है, तो ये पता करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपने जो भी पेशेंट आया है उसकी फिंगर को पिंचर करना है और सैंपल लेना है। सैंपल कितना लेना है, एक टीनी ड्रॉप लेना है स्लाइड पर। देन आपने एक और गिलास स्लाइड लेनी है, दूसरी वाली स्लाइड को पहली वाली स्लाइड पर 45 डिग्री के एंगल से स्लाइड करना है और एक मिनट के लिए इसे ड्राई करना है रूम टेम्परेचर पर। देन आपने जिम सस्टेन करनी है एक मिनट के लिए। जब एक मिनट गुजर जाए तो आपने उसे पैट्री डिश में रख के क्लीन कर देना है। देन आपने अगेन ड्राई करना है रूम टेम्परेचर पर। और जो फाइनल प्रोसीजर है वो है माइक्रोस्कोपी, जो कि आपने फिक्स करने के बाद माइक्रोस्कोपी करनी है। कंफ्यूज नहीं होना, सब प्रोसीजर आपके सामने है। सबसे पहले आपने फिंगर पंचर करनी है, फिर ग्लास स्लाइड या स्लाइडिंग करनी है, माइक्रोस्कोपी करनी है, तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।